बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर। टुडे वी विल रीड अबाउट चैप्टर 14, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर लॉन्ग है, इसलिए इसका हाफ काम हम इस वीडियो में करेंगे। नाउ दिस इज़ योर एसएसटी बुक ऑफ क्लास 5, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यूरोपियंस एंड द सब कॉन्टिनेंट। The first European visitors to the subcontinent were Portuguese traders who arrived here during the 16th century. They landed on the west coast of India and were amazed by what they saw, a land rich in spices, fruits, cloths of different colors and textures, fabulous ornaments and jewelry. जो यूरोपियंस में सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे थे वो पुर्तगीज़ थे, और वो ट्रेड की नज़र से यहाँ पे आए थे 16th century में। उन लोगों का मेन पर्पज़ यहाँ पे ट्रेड था, क्योंकि हमारी जो लैंड थी सब कॉन्टिनेंट की वो बहुत रिच थी, यानी फर्टाइल थी। स्पाइसेस, मिसालों वगैरह की ट्रेड बहुत अच्छी होती थी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। हमारे क्लॉथ्स जो थे उनके टेक्स्चर, उनके कलर्स सबसे डिफरेंट थे। ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी में ये चीज़ें बहुत अच्छी थी, और यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली थे। और इन लोगों को जो एंगेज किया गया था वो गुड्स और इनके ट्रेवलर्स जो थे, वो ट्रेड की बिज़नेस ट्रेड की वजह से यहाँ पे एक दूसरे के साथ इनके रिलेशनशिप बढ़ने लगे। द फर्स्ट अमंग द पुर्तगीज वास्को डी गामा हु लैंडेड एट कलकट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन 1498। सबसे पहले जो पुर्तगीज़ में बंदा यूरोपियन से यहाँ पे ट्रेड के लिए आया था वो वास्को डी गामा था, और कलकत्ता में वो आया था, और 1498 में ये इंडिया के वेस्ट साहिल के ऊपर आया था। 1600 में ये इम्पोर्टेंट लाइन्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो आप यू हैव टू अंडरलाइन। 1600 में जो है सर थॉमस रॉय जो है वो एम्बेसडर बन गया है क्वीन एलिजाबेथ I का। क्वीन एलिजाबेथ I जो इंग्लैंड में उनके मुगल एम्पायर के कोर्ट में, जहांगीर उस वक्त हमारा मुगल एम्पायर था, और उनके कोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से सर थॉमस रॉय आए। इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी। और क्या मैसेज उनका लेके आए कि क्वीन एलिजाबेथ का एक चार्टर 1600 दिसंबर में मुगल कोर्ट में आया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। सून आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द 17th century, उसके बाद 17th century में ट्रेड को और ज़्यादा एक्सटेंड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनके बिजनेस को ग्रो अप मिली। यहाँ पे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश लोग भी आ गए ट्रेड करने के लिए। एज़ यू नो कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो लैंड थी वो रिच और एक्सटेंड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया, और 18th century में मुगल एम्पायर का पावर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि यूरोपियंस उनके ऊपर आ गए। ऐसा मुगल्स ग्रियो वीकर, द माइनर रूलर्स इन द नॉर्थ, द राजपूत्स, मराठास, सिक्स, ये तीन सिर्फ ज़ातें रह गई थी। रूलरशिप इनकी जो थी वो डे बाय डे वीक हो रही थी, और मुस्लिम जो थे वो रेस्टलेस कंडीशन में आ गए थे। यहाँ पेज 114 पे ही आपको ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं यूरोपियन ट्रेडर्स की, और साथ में जो है वो फोर्ट नज़र आ रहा है विलियम इन कोलकाता में, जो हेड क्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज 115। From the middle of the 18th century, the British rose to power by defeating the local princes and the French. That was the beginning of 200 years of British rule. जब मुगल पावर बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो गई, तो फिर फ्रेंच लोग और ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पे अपने पावर को बढ़ाया, और ये ब्रिटिश रूल के 200 years तक जो है इनके असरात रहे, और इनके बिगनिंग टाइम था ये। The British government decided to take over the East India Company and slowly they too became involved in the politics. Day by day जो है उनका business grow up हो रहा था। business के साथ साथ वो लोग politics में भी involve हो गए। East India Company सब तरफ control take over कर लिया था उसने। यहाँ फिर 19th century के mid over तक जो है British government ने अपना rule चलाना शुरू कर दिया सारे subcontinent में। The British had come to the subcontinent as traders but end up bringing the whole region under their power. वो ट्रेड करने वहाँ पे आए थे, लेकिन एंड जो था उनके रूलर का ये हुआ कि वो लोग पॉलिटिक्स में भी उनकी पावर आ गई। दे इंट्रोड्यूस देयर लैंग्वेज, एज़ यू नो कि इंग्लिश लैंग्वेज थी उनकी, वही इन्होंने इंट्रोड्यूस की। आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, आइडियाज़ सब तरफ उन्हीं का बिगनिंग शुरू हो गई। दे बिल्ट रोड्स, रेलवेज, लार्ज बिल्डिंग्स,
बट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर नेवर फ्री एंड हैप्पी. वो लोग ऑब्वियसली जब उनका फ्रीडम ख़त्म हो गया, उनके ऊपर इन लोगों ने कंट्रोल ओवर कर लिया, तो वो लोग हैप्पी भी नहीं थे और फ्री भी नहीं थे. फॉरेन पावर जो थी वो उनके अंडर रहना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था. ब्रिटिश लोगों ने उनके कोई राइट कंट्री रन करने के लिए ख़त्म कर दिए थे, उनको जॉब्स देना बंद कर दी थी. वो लोग बिल्कुल सी ग्रेड लेवल की लेबरशिप कर रहे थे और ना वो लोग इतने पावर में थे कि वो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट फाइट कर सकते. इस वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टार्ट हुआ. क्या इसके बैकग्राउंड है ये हम इस पैराग्राफ में अंडरस्टूड करेंगे. द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट हैड अ लार्ज आर्मी हुज ऑफिसर्स वर ऑल ब्रिटिश. ये मैं आपको बात बता दूं कि हिंदूज, मुस्लिम और सिख्स जो थे वो ब्रिटिश लोगों की आर्मी में सोल्जर्स थे, लेकिन ऑफिसर्स जो होते थे वो ब्रिटिश लोग ही होते थे. उन लोगों ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि बुलेट्स बनाई जो कि पिग और काओ की फैट्स के साथ बनती थी. तो पिग जो था वो हम लोग मुस्लिम लोगों के लिए हराम था और जो काओ थी वो उसको रिलीजन वाइज जो थी वो हिंदू लोगों के लिए हराम थी. तो इस वजह से जो बुलेट्स थी उनको उनकी जो पिन होती थी रिफ़ल की वो मुंह के साथ खींचनी होती थी, जिसकी वजह से दोनों लोग इसको डिनाई कर रहे थे. ब्रिटिश लोगों को ये अकॉर्डिंग टू रिलीजन मैटर ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और यहाँ से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गई. हम जो भी डिनाई करता था बुलेट्स का रिफ़ल को उनका डिनाई करता था तो उनको पनिश दी जाती थी, हैंग आउट कर दिए जाते थे. इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मैनी सोल्जर्स बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश वर किल्ड. द मुगल किंग बहादुर शाह जफर जो कि ओल्ड मैन थे और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, उनको भी पनिश के तौर पर जो है एग्जाइल कर दिया गया रंगून जो कि म्यांमार है अब उनका नाम, और वहीं पर वो उनकी वफात हुई, वो बरीड भी वहीं पर हैं. द ब्रिटिश देन टुक ओवर द कंट्री एंड अपॉइंटेड वाइसराय. और उसके बाद मुगल हुकूमत ख़त्म हो गई और ब्रिटिश लोगों के वाइसराइज वन बाय वन वहाँ पे आते रहे और उन्हीं के रूल्स अप्लाई होते रहे सब कॉन्टिनेंट में. व्हेन द वॉर केम टू एन एंड इन 1858 में जब वॉर एंड हो गई तो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रेलवे लाइंस उन्होंने बिल्ड की, बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क बनाया अक्रॉस द इंडिया, टेलीग्राफ लाइंस को इम्प्रूव किया, उसको स्पीडी एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ बनाया, एजुकेशन ऑन द ब्रिटिश पैटर्न वाज इंट्रोड्यूस्ड हुआ. द इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर बनी. कैसे बनी? क्योंकि ब्रिटिश लोगों के जो पावर थी वो बियरेबल अब नहीं थी और उसके बाद मुस्लिम और हिंदूज ने मिलके उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का आगाज़ किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से लोग इंक्लूड हुए. दे कुड वन डे रूलर देयर ओन कंट्री, क्योंकि वो सब लोग चाहते थे कि हमारा अपना कंट्री हो जिस पे हमारे रूल्स लागू हों. डे बाय डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम स्ट्रॉन्गर. एवरी ईयर दे हेल्ड अ बिग कॉन्फ्रेंस वेयर द मेंबर्स मेड स्पीचेस एंड मोर पीपल ज्वाइंड दिस ग्रुप. बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू लीडर्स वहाँ पे आते और वहाँ के बिग कॉन्फ्रेंसिस में शामिल होते, जिसकी वजह से उनके स्पीचेस सामने आती और हमारा मुस्लिम्स और हिंदूज का जो मोरल था वो भी अप होता. उनके स्पीचेस जो पॉलिटिकल रीडर्स होते थे उनको उनकी स्पीचेस की वजह से ब्रिटिश लोग अरेस्ट कर देते थे. उनको ये सब बर्दाश्त नहीं था कि हम लोग अपने ओन कंट्री की तरफ जाएं. दे वेंट टू जेल, कम आउट अगेन एंड देन मेड मोर स्पीचेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. दोबारा जब जेल से वापस आते थे तो वो और ज़्यादा हार्श स्पीचेस जो थे वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ होती थी. नेशनल कांग्रेस ग्रो एंड बिकेम मोर पावरफुल. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू लिसन टू वट वॉज बींग सेट बाय द लीडर्स एंड होल्ड डिस्कशन. 1942 में फिर इनके लीडर मोहनदास गांधी जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने ब्रिटिश को कॉल कर लिया कि दे हैव टू लीव इंडिया. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फिर कैसे आई? इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों शामिल थे, लेकिन उसमें जितनी भी स्ट्रगल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज के लिए हो रही थी, क्योंकि हिंदूज ऐसा फील हो रहा था कि हिंदूज ही सिर्फ ब्रिटिश से छुटकारा हासिल करके अपना कंट्री चाहते हैं. तो मुसलमानों को ये फील होने लग गया था कि ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद जो उनके ऊपर रूलर्स होंगे वो हिंदूज होंगे, तो हम लोगों को तो फिर भी फ्रीडम ना मिला. डेट्स वाई वी हैड टू बिगेन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और उसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. 1906 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये स्टार्ट हुई और इनके मेन लीडर जो थे वो उसमें सर सैयद अहमद खान थे. सर सैयद अहमद खान दे हु हैड रिटर्न इन सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857.
उन्होंने अपने पेपर में बहुत कुछ जो है वो मुस्लिम लीडर्स के लिए लिखा, मुसलमान नौजवानों के लिए लिखा, जिनके जिनसे हम लोगों का मोराल इतना अप हुआ कि हम लोग एजुकेशन की तरफ जो है वो इंस्पायर हो गए। सर सैयद वाज स्ट्रॉन्गली इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स एजुकेटिंग देमसेल्फ। ऑब्वियसली एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन जो है ब्रिटिश और हिंदूज को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते थे। ही सेट अप द एमएओ कॉलेज विच लेटर बिकेम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बन गया। और यहाँ पे बहुत से मुस्लिम लीडर्स लाइक लामा इकबाल जो ग्रेट पोइट ऑफ फिलासफर थे, नवाब वकारुल मुल्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, लियाकत अली खान एंड जफर अली खान, यू हैव टू अंडरलाइन दीज नेम्स। ये मुस्लिम लीडर्स थे उस वक्त जो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के साथ थे मुस्लिम रूलर के लिए। अदर इंटेलेक्चुअल एंड राइटर्स बिगेन टू यूनाइट द मुस्लिम्स थ्रू देयर राइटिंग्स एंड स्पीचेस। राइटिंग्स और स्पीचेस के थ्रू ही इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया। मोहम्मद इकबाल जो थे उनका आइडिया आया, जिसकी वजह से उनकी स्पीचेस हुई, और सबसे फेमस उनकी स्पीच इन 1930 अलाहाबाद में हुई, जिसके बाद उनको सर का जो है वो टाइटल मिला, सर मोहम्मद इकबाल का। इसके बाद 1940 मार्च में जो है वो लाहौर में रेजोल्यूशन हमारी पास हुई, जिसमें हम लोगों ने ये वाजिया तौर पे ऐलान कर दिया और कॉल कर दी ब्रिटिश को कि वी हैड टू गेट आवर सेपरेट होमलैंड। इन दिस चैप्टर देयर आर 14 क्वेश्चंस, डेट्स वाई हाफ क्वेश्चंस 1 to 7 we will write on our classwork notebooks. So open your notebooks, you have to make a tag. Chapter 14, the struggle for independence. ये मैंने एक picture भी लगा दी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, और साथ वाले पेज पर आपको एक picture नज़र आ रही है जो कि एक art drawing है, जिसमें war of 1857 का actions दिखाए हुए हैं, जो British और Hindus जो थे आपस में जैसे fight हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टॉपिक द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फोकस क्वेश्चन आंसर्स। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग 7 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर द यूरोपियंस इंटरेस्टेड इन द ईस्ट। आंसर, द यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन द ईस्ट बिकॉज दे सा इट एज अ लैंड ऑफ रिच स्पाइसिस, फ्रूट्स, क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टेक्स्चर्स, फेबुलस ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स टू द सब कॉन्टिनेंट, वेन डिड दे कम हियर। आंसर, द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स वर द पुर्तगीज, दे अराइव्ड हियर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एंड वाई डिड द ब्रिटिश बिगिन टू रूल द सब कॉन्टिनेंट। आंसर है, द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, वेन ट्रेडिंग बिकेम प्रॉफिटेबल फॉर देम, दे स्टार्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी इन द 17th सेंचुरी। Since the French and the British, after the Mughal ruler ended, however, the British succeeded in driving out the French from India and establishing their own rule over the subcontinent in the 18th century. They ruled India for about 200 years. Question number 4, describe some of the things the British did for the subcontinent. The British introduced their language, architecture, politics and their ideas. They built roads, railway lines and large buildings and improved the canal irrigation system. Question number 5, why could the people of the subcontinent not succeed against the British? They could not succeed against the British because they were not united. Question number 6, what events led to the War of Independence? The soldiers in the British Army were Hindus, Muslims and Sikhs. In 1857, they were issued rifles whose greased bullets and had to be beaten for loading. They were greased with animal's fat. Lard is forbidden to Muslims and cow fat to Hindus. The soldiers objected and were severely punished by the British. So they came out in open defense. The battle they fought is called the War of Independence. Question number 7, why was the Indian National Congress set up? Some educated people thought that no progress could be made by just fighting the British. In 1885, they formed the Indian National Congress. They felt that by having their own political organization, one day they could rule their own country. आपके 7 क्वेश्चंस आपकी रीडिंग के साथ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाफ चैप्टर और बाकी क्वेश्चन एंड वर्क पेज आपका मुकम्मल करेंगे।
आई होप आपको आज का इतना लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए यू कैन वॉच आवर वीडियो अगेन एंड अगेन। अच्छे तरीके से इस रीडिंग को विद इन अ वीक कम्प्लीट करें और इनके क्वेश्चन आंसर्स को भी राइट करें और लर्न भी कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।